खरगोन शहर के बिस्टान रोड पर बुधवार सुबह एक तेज रफ्तार डंपर चालक ने बाइक को अपनी चपेट में लिया। हादसे में बाइक सवार पिता पुत्री सहित महिला घायल हो गई। घटना में घायल पिता पुत्री की हालत गंभीर बनी हुई है। दोनों को लहूलुहान हालत में अस्पताल लाया गया, जिनका जिला अस्पताल के आईसीयू में उपचार चल रहा है। मिली जानकारी अनुसार हादसे में सुभला जमरे और उनकी 14 वर्षीय बेटी की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि बाइक पर सवार शुभला की पत्नी रोशनी को खरोच आई है। रोशनी ने बताया कि वह हल्दी घाटी निवासी होकर मैनगांव में परिवार सहित मजदूरी करने आए थे। मैनगांव में पिछले 3 साल से रह रहे हैं। बुधवार को अपने मायके सिरवल जा रहे थे। इसी दौरान बिस्टान रोड पर माया देवी कॉम्प्लेक्स के सामने एक डंपर चालक ने उनकी बाइक को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। इसमें उनके पति सुभला और बेटी मंजू घायल हुए हैं। दोनों को सिर में गंभीर चोटें आई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। अभी लगभग 11:30 के आसपास विस्टान रोड पे कहीं पे एक्सीडेंट होने से दो घायल लोगों को जिला चिकित्सालय खरगोन में उपचार के लिए लाया गया है। दोनों को अभी आईसीयू में भर्ती करके इलाज दिया जा रहा है। जो एक अनकॉन्शियस है, उनकी स्थिति काफ़ी गंभीर बनी हुई है सिर में चोट लगने से, और दूसरी एक बालिका है लगभग 13-14 वर्ष की, वो भी अभी थोड़ा सेमी कॉमेटोज है, तो अभी उपचाररत हैं दोनों। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।